हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और ये मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो पे नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग फिर से एक ऐप बनाएंगे और उस ऐप को डिज़ाइन करेंगे और उसके क्लिक इवेंट पे हम लोग कुछ काम करेंगे। पर इस वीडियो को हमारा मेन मोटो है कि किसी भी ऐप को कैसे अट्रैक्टिव डिज़ाइन दे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट ए न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट में जाता हूं। उसके बाद यहां पर जितने भी एक्टिविटीज हैं उनमें से मैं एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करता हूं, क्योंकि जब मैं डिजाइन करूंगा तो मेरा स्क्रीन जो है वो पूरा एम्प्टी होना चाहिए, ताकि मैं जैसा मन चाहे वैसा मैं डिजाइन कर सकूं। उसके बाद यहां पर मुझे अपने एप्लीकेशन का नाम देना है, तो मैं यहां पर अपनी एप्लीकेशन का नाम दे रहा हूं माई एप 5। ठीक है, आप अपना कुछ भी नाम दे सकते हैं, इट्स योर विश। और यहाँ पर जो है पैकेज नेम अगर आपका अपने आप आ रहा है तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो आपका पैकेज नेम होना चाहिए कुछ ऐसा होना चाहिए, com.learntech2tech.rakesh। तो ये तीन चीज़ तो होने चाहिए। अब ये डिपेंड करता है ये आप अपना क्या नाम देंगे। फिर उसके बाद डॉट जो है जो भी आप एप्लीकेशन का नाम देंगे ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज है जावा या कॉटलिन, तो अभी फिलहाल मैं जावा सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप जो है किटकैट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ फिनिश करते हैं। तो जैसे ही हम फिनिश करेंगे तो जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब हमें जो है डिजाइन करना है। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि डिजाइन करने के लिए आपको लेआउट में जाना पड़ता है, तो लेआउट में जाने के लिए मैं यहाँ पर रिसोर्स में जाऊंगा जो कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर है। उसके बाद रिसोर्स के अंदर आपको लेआउट मिलेगा, लेआउट में जाएंगे और लेआउट में एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है, उसमें जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो डिज़ाइन करने का जो प्लेस है वो आ चुका है। इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, नीचे का जो ये विंडो है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है उसको थोड़ा मैं इधर छोटा कर देता हूँ। तो ये जो हमारा डिज़ाइन विंडो है वो आ चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ऊपर में ऑप्शन है डिजाइन सरफेस का। यहाँ पर या तो केवल आप डिजाइन भी शो कर सकते हैं, दूसरा आप ब्लूप्रिंट भी शो कर सकते हैं, और फिर आप जो है चाहे तो दोनों शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि केवल मुझे डिजाइन करना है तो मैं केवल डिजाइन ही क्लिक करता हूँ, जिससे मेरा जो यहाँ पर जगह है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जिससे हमारा जो यहाँ पर डिजाइनिंग है वो थोड़ा और आसान हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी आपको एक हेलो नाम का जो है कंट्रोल मिल रहा है, जहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, एक्चुअली टेक्स्ट भी हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, तो ये डिलीट हो चुका है। अब जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिलेटिव लेआउट में काम करूँगा। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट में जाऊँगा और टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर मैं एंड्रॉयड से लेके यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट तक यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा रिलेटिव लेआउट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिलेटिव लेआउट लिख देता हूँ और उसके बाद मैं डिजाइन फेज में चला जाता हूँ। तो आपको जैसा पता है कि रिलेटिव लेआउट में क्या होता है कि जो भी चीज़ आप जहाँ जो है प्लेस करेंगे वो वहीं पर दिखेगा। ठीक है, और वो सारे कंट्रोल को आपस में जो है रिलेट कर लेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसलिए मैं रिलेटिव लेआउट लिया हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर चार बटन लेता हूँ। ठीक है, और जैसे आप देखते होंगे कोई ऐप डिस्प्ले होता है तो सामने जो है मेन्यूज आते हैं, और जनरली जो मेन्यूज होते हैं वो डेस्कटॉप की तरह मेन्यूज नहीं होते हैं। ऐप में जनरली क्या होता है, सामने बटन्स के फॉर्मेट में होते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बटन लेता हूँ। तो एक बटन हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, और उस बटन को मैं यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने बटन को लिया तो ये बिल्कुल जो है ऊपर चला गया, बिल्कुल कोने पे चला गया। इसी तरह अगर आप दूसरा बटन लेंगे तो भी ये कोने पे चला जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आ रहा है आपका टर्न ऑन ऑटो कनेक्ट, तो इसको आपको टर्न ऑन कर देना है। तो इस जिससे जैसे ही आप इसको टर्न ऑन करेंगे तो जहां पर आप बटन को प्लेस करेंगे वो वहीं पर आएगा। अब आप क्या करें, इस बटन का जो भी साइज देना है वो दे सकते हैं, या तो आप इस तरह से जो है ड्रैग करके साइज बढ़ा सकते हैं, या फिर आपको बिल्कुल ही स्क्वायर देना है तो यहाँ पर लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट है। तो आप चाहें तो यहाँ पर दोनों का विड्थ हाइट फिक्स कर सकते हैं, जैसे मैं 100 dp कर देता हूँ और यहाँ भी 100 dp कर देता हूँ, जिससे बिल्कुल साइज जो है वो सेम हो जाए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ और उसके बाद मैं फिर से दूसरा बटन लेता हूँ, दूसरे बटन को भी यहाँ प्लेस करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100 dp और यहाँ पर मैं 100 dp लेआउट हाइट और विड्थ ले लेता हूँ। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं सेम साइज का आ गया है।
अब मैं फिर से एक तीसरा बटन लेता हूं और उसको मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं, ठीक है, ये लाइनिंग से आपको पता चल जाएगा। फिर मैं इसका भी साइज ले लेता हूं 100 dp, ठीक है, विड्थ और हाइट जो है वो 100 dp, ठीक है, तो ये हो चुका है। फिर उसके बाद हम यहाँ चौथा बटन लेते हैं और चौथा बटन यहाँ पर लेके फिर इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर 100 dp विड्थ ले लेते हैं और 100 dp हाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं हुआ है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, 100 मैं लेता हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल सेम साइज का आ गया। अब आपका बटन जो है डिफरेंट साइज का होने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने जो है बिल्कुल साइज जो है वो आपने स्पेसिफाई कर दिया है। तो यहाँ सारे के सारे बटन जो है 100x100 साइज के हैं। अब इसके जो है टेक्स्ट में आपको जाके क्या करना है, इसे डिलीट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाएं और इसे डिलीट कर दें, तो जैसे आप डिलीट करेंगे ये ब्लैंक हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ डिस्प्ले हो क्योंकि मैं इस बटन्स के ऊपर इमेज डालने वाला हूँ। जैसे आप देखते हो कि कोई भी ऐप अगर आप लेते हो तो उसमें बटन्स के ऊपर क्या होते हैं, इमेज होते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि वो उस इमेज पे आप क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारा जो है इसका टेक्स्ट हटा दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हम एक तो अपने ऐप के स्क्रीन पे तो बैकग्राउंड इमेज डालेंगे ही, साथ ही साथ इन चारों पे भी हमारा बैकग्राउंड इमेज होगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू भी ले लेता हूँ, वो मैं बताऊँगा किस लिए ले रहा हूँ। ये जो टेक्स्ट व्यू मैं ले रहा हूँ वो इसलिए ले रहा हूँ, जैसे कि अगर किसी बटन में हम क्लिक करते हैं तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपने इस बटन को क्लिक किया है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट व्यू ले लिया है, इसे भी मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वही डिस्प्ले हो। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टेक्स्ट में आता हूँ। अब हमें क्या करना है कि बैकग्राउंड में भी इमेज देना है, तो मैं रिलेटिव लेआउट के यहाँ आके मैं बैकग्राउंड लिखता हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑलरेडी बैकग्राउंड आ चुका है। अब बैकग्राउंड में मुझे इमेज देना है, कलर नहीं देना है, तो क्या होना चाहिए, मेरे पास इमेज होना चाहिए। तो इमेज के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, हमें सारा इमेज को कहाँ प्लेस करना पड़ता है, ड्रोएबल में। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिसोर्स के अंदर ड्रोएबल में, पर ड्रोएबल में अभी फिलहाल दो ही इमेज है और वो भी जो है वही इमेज है जो कि ऑलरेडी जो है एंड्रॉयड के होते हैं, पर यहाँ मुझे अपना इमेज डालना है। तो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर कुछ इमेजेज बना रखे हैं, pic 1, pic 2, pic 3, pic 4, ये अपने बटन्स के लिए, और बैकग्राउंड के लिए अभी फिलहाल हमने दो इमेज लगा रखे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप जो भी इमेज अगर आप डालना चाहते हैं अपने एंड्रॉयड ऐप में, वो सारे इमेजेज को आप यहाँ पर कॉपी कर लें, और मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी करने से बेनिफिट क्या है। और कॉपी करके यहाँ ड्रोवेबल में जाके राइट क्लिक करके आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। पेस्ट करने पे ये कुछ मैसेज आएंगे, आपको केवल ओके करना है और फिर यहाँ पर ओके करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे इमेजेस जो है वो आपके आ चुके हैं, चाहे वो PNG में हो चाहे जो है आपका JPG में हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कौन सा पिक हमारा किसका है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे एक्स्ट्रा लार्ज आइकन में करता हूँ, तो आप देख रहे हैं pic 1 जो है हमारा ए है, बी है, सी है और डी है, और ये हमारे इमेजेज है। तो चलिए इसका मतलब जो pic 1 नाम है उसमें ए लिखा हुआ है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि ये जो इमेज मुझे दिख रहा है, ये जो आपका जो है टावर वाला इमेज दिख रहा है, इस टावर को हम बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं इसे आप डिलीट कर देता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर बैकग्राउंड लिखता हूँ, तो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे ड्रॉएबल के साथ pic 3, pic 2, pic 1, back 1 और back 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हम back 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम back 1 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड में आ गया। अब चलिए हम डिजाइन फेज में जाते हैं, तो डिजाइन फेज में आप देख रहे हैं कि जो टावर था वो हमारा बैकग्राउंड में आ चुका है। अब हमें इन बटन्स पे इमेज लगाना है, ठीक है, तो फिर से हम बटन में जाएंगे, बटन के बीच में कहीं पर भी हम चले जाएंगे और वहां पर मैं बैकग्राउंड लिखूंगा, और बैकग्राउंड में लिखने के बाद ड्रॉएबल मैं यहाँ पर pic 1 कर देता हूँ। उसके बाद फिर से मैं डिजाइन में जाऊंगा, तो आप देख रहे हैं pic 1 में ए आ चुका है। अब ये ए के जगह आप कोई चाहे तो इमेज भी डाल सकते हैं, मैंने जानबूझ कर इस तरह से किया है जिससे कि आपको जस्ट डेमो देने के लिए, पर आप चाहे तो कोई भी इमेज अपना ले सकते हैं। उसके बाद सेकेंड बटन में मैं pic 2 ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद थर्ड बटन में मैं यहाँ पर फिर से बैकग्राउंड करता हूँ, और यहाँ पर देख रहे हैं ड्रॉएबल आ रहा है, pic 3 हम ले लेते हैं, और उसी तरह चौथे में हम फिर से बैकग्राउंड लेते हैं और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं pic 4।
तो यहाँ पर आप देखिए पिक फोर कहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है यहाँ पर नीचे में, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। तो ये चारों पिक्स जो है हमारे बटन के ऊपर आ गए। अब डिजाइन में जाएंगे तो आप देख रहे हैं बड़ा ही प्यारा सा दिख रहा है, ए बी सी डी, और बीच में जो है आपका टावर आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया डिजाइन का। अब डिजाइन के बाद हमें कुछ कोडिंग भी करना है। कोडिंग में क्या करना है कि हम चाहते हैं कि अगर ए में क्लिक करें तो ऊपर लिखा हुआ है यू क्लिक्ड ए बटन, अब बी में करें तो लिखा हुआ आए कि यू क्लिक्ड बी बटन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाना होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से बड़े ही आसान तरीके से अपना डिजाइन कर लिया और कितना अच्छा जो है हमारा स्क्रीन जो है वो कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। इस तरह से आप इससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि डिजाइनिंग जो है वो आपके डिजाइनिंग स्किल पे डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाते हैं। अब हमें मेन एक्टिविटी डॉट जावा में क्या करना है कि ये जो बटन्स हमने बनाए हैं इन बटन्स में क्लिक करने पे हमें एक मैसेज डिस्प्ले करना है। ठीक है, अलग अलग बटन पे अलग अलग मैसेज डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कोडिंग लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बटन्स के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो मैंने लिखा बटन बी वन, तो मैंने बटन का ऑब्जेक्ट बनाया। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट है हर एक ऑब्जेक्ट को जो एक्सएमएल फाइल में हमने बटन डिजाइन किया है उन बटन्स को मैप करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बटन, और उसके बाद मैं लिखूंगा फाइंड व्यू बाई आई डी, देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है आर डॉट आई डी डॉट। तो जैसे ही आप आर डॉट आई डी डॉट लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा बटन्स का लिस्ट आ गया है जो बटन्स आपने डिजाइन में बनाए थे। तो डिजाइन में हमारे चार बटन थे, बटन बटन टू, बटन थ्री, बटन फोर। तो मैं चाहता हूँ ये जो बी वन है उसको मैं मैपिंग करूँ बटन के साथ, तो मैंने बटन के साथ मैपिंग कर दिया। उसके बाद मैं दूसरा भी बनाऊंगा इसी तरीके से, तो मैं क्या करता हूँ इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, इसका नाम दे देता हूँ बी टू, और यहाँ पर आर डॉट आई डी डॉट मैं लिख देता हूँ बटन टू, मतलब बी टू जो है वो बटन टू के साथ मैप होगा जो एक्सएमएल फाइल में है। फिर मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं बी थ्री कर देता हूँ, और यहाँ पर बी फोर कर देता हूँ, और यहाँ पर बटन थ्री, और यहाँ पर बटन फोर। तो ये चारों बटन्स को हमने मैप कर दिया। हम लोग चलते हैं फिर से एक्सएमएल फाइल में, तो आपने देखा ये जो ए है, ए बटन है, इसको मैंने मैप कर दिया बी वन ऑब्जेक्ट के साथ, इसको बी टू के साथ, इसको बी थ्री के साथ, और इसको बी फोर के साथ। अब हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी हम लिसनर बनाएंगे वो इस बटन्स पे काम करेगा। तो अभी हम क्या चाहेंगे, अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम ए पे क्लिक करें तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाए कि यू क्लिक्ड ऑन बटन ए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर कोडिंग लिखना है। तो चूंकि क्लिक करने पे होना है तो हमें जो है सेट ऑन क्लिक लिसनर भी सेट करना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा बी वन डॉट, ऊपर में ही आ रहा है आप देख रहे हैं सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो हमने सेट ऑन क्लिक लिसनर कर दिया। मतलब कि यहाँ पर अगर बी वन बटन में अगर कुछ क्लिक होता है तो वहां पर ये लिसनर जो है एग्जीक्यूट करेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे न्यू, और न्यू के बाद हम लिखेंगे व्यू। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा केवल आप व्यू लिखिएगा, व्यू लिखने के बाद जो यहाँ हिंट आ रहा है उसमें जो सेकेंड ऑप्शन आ रहा है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा कोड ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। 1% अगर ये कोड ऑटोमेटिकली लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आप जो है मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है कि हमें एक टेक्स्ट व्यू का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइनल टेक्स्ट व्यू, क्योंकि हम लोगों ने एक टेक्स्ट व्यू भी लिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं टेक्स्ट व्यू जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पर एरर आ रहा है, मतलब रेड आ रहा है, क्योंकि इसका पैकेज जो है वो इम्पोर्ट नहीं है। तो मैं फिर से ऑल्ट इंटर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो जाएगा। इसका नाम मैं देता हूँ टीबी, और फिर वही तरीका है इसको जो है इनिशियलाइज करने का। तो मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट व्यू, उसके बाद मैं लिखता हूँ फाइंड व्यू बाई आई डी, तो आर डॉट आई डी डॉट। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखिए नीचे कहीं ना कहीं लिखा हुआ आएगा टेक्स्ट व्यू, तो मैं टी प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं टेक्स्ट व्यू लिखा रहा है, मैं इसे यहाँ पर ऐड कर दिया। तो मतलब अब जो हमारे डिजाइन में जो टेक्स्ट व्यू था वो हमारा टीवी के साथ मैप हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसमें शो करना है कि बटन वन में अगर क्लिक हो रहा है तो बटन वन के लिए क्या है हमारा बी वन जो हमने अभी लिखा है, तो बटन वन में क्लिक होगा तो हमें शो करना है कि यू क्लिक्ड ऑन बटन ए। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं टीबी डॉट
सेट टेक्स्ट कर देता हूं। सेट टेक्स्ट का मतलब क्या है कि उसमें मैं एक टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो मैं क्या डिस्प्ले करना चाहता हूं, यू क्लिक ऑन बटन ए, कि आपने क्लिक किया है ए बटन पे, ठीक है, और ये मैसेज वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब यही काम हमें चारों बटन के लिए करना है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं और फिर मैं यहां पेस्ट कर लिया, यहां पर मैं इसे बी वन के जगह बी टू कर दिया और ए के जगह मैं यहां पर कर दिया बी। फिर से मैं, ये ध्यान रखिएगा जो कॉपी करेंगे ये सेमी कोलोन के नीचे कॉपी करेंगे। फिर मैंने कॉपी किया, मैंने यहां लिख दिया बी थ्री और यहां पर कर दिया मैंने जो है शिफ्ट सी, तो यहां पर कैपिटल में आ गया। उसके बाद यहां पर फिर मैंने कॉपी पेस्ट किया, यहां पर मैंने कर दिया बी फोर और यहां पर लिख दिया यू क्लिक डॉन बटन डी। तो ये हमारा पूरा कोडिंग हो चुका है और आप देख रहे हैं कहीं भी रेड नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। तो ये हमारा डिजाइन बन चुका है, इसको मैं एक थोड़ा सा जूम कम कर देता हूं तो आपको पूरा डिजाइन दिखेगा। तो ये हमारा डिजाइन बन चुका है और ये हमारा जो है प्रोग्राम बन चुका है। तो प्रोग्राम को फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पहले हमने जितने भी कंट्रोल्स थे उनको मैपिंग किया है, मैपिंग करने के लिए हम फाइंड व्यू बाय आईडी लिखते हैं और उस बटन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर टेक्स्ट बटन है तो टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बटन है तो बटन का ऑब्जेक्ट, अगर ऑप्शन बटन है तो ऑप्शन बटन का ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर रेडियो बटन है तो रेडियो बटन का ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद यहाँ पर हर एक बटन के लिए हमने क्लिक लिसनर लिखा है, ठीक है, जिसमें कि जस्ट हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक वॉयड ऑन क्लिक, मतलब ऑन क्लिक का मतलब यह है कि क्लिक करने पे आप क्या चाहते हैं, तो क्लिक करने पे हम ये मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और वही काम हमारे सारे बटन्स में हो रहे हैं, चाहे वो बी टू के लिए हो, चाहे बी थ्री के लिए हो, चाहे बी फोर के लिए हो। तो ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल बन चुका है, कोई भी एरर नहीं है। अब हम इसे क्या करते हैं, रन करते हैं। तो ऊपर आप देख रहे हैं प्ले बटन है, तो जैसे ही हम प्ले बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा कि किसमें आप जो है रन करना चाहते हैं। तो मैं अभी फिलहाल नेक्सस 5X में जो है रन करना चाहता हूँ, तो मैं ओके कर देता हूँ। अगेन चूंकि आपको पता है इम्यूलेटर अभी हमने स्टार्ट नहीं किया तो थोड़ा सा टाइम लेगा रन करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो चुका है और आप देख रहे हैं हमारा स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, जो हमने बैकग्राउंड इमेज दिया था वो भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो रहा है और जो हमने बटन्स के ऊपर इमेजेज लगाए थे वो भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो रहा है अलग अलग कलर्स में। यहाँ पर मैंने ए बी सी डी लिखा है पर इसके जगह आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिजाइन करने में मैं उतना अच्छा नहीं हूँ तो इसलिए मैं बहुत अच्छा डिजाइन नहीं कर पाता हूँ, पर आप अपना जो भी क्रिएटिविटी है उसको लगा के जो है आप अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा हमने क्या लिखा था कि अगर हम बटन ए पे क्लिक करेंगे तो ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, तो चलिए देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये ए जो है वो एक बटन है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रहा है यू क्लिक्ड ऑन बटन ए। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूं तो ये आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है यू क्लिक्ड ऑन बटन ए। उसी तरह जैसे ही मैं बी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है यू क्लिक डॉन बटन बी। तरह जैसे ही मैं सी पे क्लिक करूंगा तो लिखा हुआ आ रहा है यू क्लिक डॉन बटन सी और उसी तरह डी पे भी आ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से हमने डिजाइन किया और इसको डिजाइन करने में बहुत ज्यादा मुझे एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ा और आप देखेंगे कि ऐप में बहुत ज्यादा ऐसे डिजाइनिंग नहीं होते हैं क्योंकि क्या होता है मोबाइल का स्क्रीन बहुत छोटा सा होता है इसलिए वहाँ डिजाइन बहुत ज्यादा वेबसाइट की तरह नहीं होता है, वहां पर एक आध इमेज होता है या फिर और जो है बहुत होगा तो आपका स्क्रीन दो तीन पार्ट में डिवाइड होगा और दो तीन इमेज मैक्सिमम यूज होते हैं, पर जितने भी अच्छे ऐप होंगे वहां पर आप देखना कि स्क्रीन पे एक से ज्यादा इमेज नहीं होता है। तो अगर आप इससे भी अच्छा आप कर सकते हैं बिल्कुल ये आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो देखा दोस्तों किस तरह से हम एक सिंपल सा ऐप बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं, तो आपने देखा किस तरह से हमने डिजाइन किया फिर किस तरह से हमने कोडिंग किया और बहुत ही सिंपल तरीके से कोडिंग करके हमने ये काम को जो है अचीव किया। तो चलिए फ्रेंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।